बीपीएससी की तरफ से आज एक रिजल्ट जारी करने के बाद बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से लगातार 3 ट्वीट किए गए, ठीक। और ये जो तीसरा ट्वीट है, ठीक है, प्राइमरी रिजल्ट को लेकर, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अभी 2 ट्वीट और आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस ट्वीट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, डॉक्यूमेंट में जो वाटरमार्क लगकर आ रहा है, जो कल देर शाम से स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको अपडेट दी थी, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अतुल प्रसाद जी ने इस ट्वीट के माध्यम से दी है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि वो जानकारी आप समझ सकें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसमें आपकी कमी होती है तो रिजल्ट में पास होने के बाद भी आप आगे नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स अब निकल कर आने वाली हैं, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखिए, हम पहला ट्वीट देखते हैं कि पहला ट्वीट जो आया था उसमें क्या आया है। इन्होंने कहा है कि हम दस्तावेज अपलोड करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि डाउनलोड करने पर ऐसे दस्तावेज स्वचालित रूप से वाटरमार्क हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसलिए जो दस्तावेज है ऑनलाइन, इसलिए अपलोडिंग करवाई गई थी, इसलिए करवाई जा रही है कि जैसे ही उस पर अपलोड होंगे, वो ऐसा वेबसाइट को डिजाइन किया गया है कि वो ऑटोमेटिक वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट हो जाएगा और बीपीएससी की ऑफिशियल मुहर जो है वो आपके प्रमाण पत्र पर लग जाएगी। और फिर शामिल होने से पहले TRE डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन वाटरमार्क दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साफ तौर पर देखिए कि TRE, ठीक है, DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इन्हीं वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट की, दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके दस्तावेज में बीपीएससी की यह मोहर नहीं लगी होगी तो आप वहां पर DV में शामिल नहीं हो पाएंगे, आपको DV से बाहर किया जा सकता है। और इसके लिए खास तौर पर निर्देश आज रिजल्ट के साथ जारी किया गया है, मैंने वो भी वीडियो में आपको बताया है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा, मैंने आपको साफ कहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर ये मोहर नहीं भी आ रही है, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये होने चाहिए, ये चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप सारे अपने दस्तावेज चेक कर लीजिए, उसमें मोहर लग गई कि नहीं लग गई, लगना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि हमने TRE परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है, बस कुछ शुरुआत देने के लिए। पहला कि शामिल होने के समय सभी सफल उम्मीदवारों के लिए DV होगा, याद रखिएगा, शामिल होने के समय जितने भी उम्मीदवार हैं सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होगा। दूसरा पॉइंट, सभी सफल उम्मीदवारों को बीपीएससी पोर्टल पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यदि नहीं तो किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर आपने अपलोड नहीं किया है सत्यापित प्रमाण पत्र तो आपको ये अपलोड करना होगा, याद रखिएगा, अगर आप नहीं अपलोड करते हैं तो आपके प्रमाण पत्र में ये वाटरमार्क नहीं लगेगा, और अगर ये वाटरमार्क नहीं लगेगा तो DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जब ये दस्तावेज मांगा जाएगा वाटरमार्क वाला, तो वो आपके पास नहीं रहेगा, और ऐसी परिस्थिति में आप रिजल्ट में अच्छे अंक पाते हुए भी आप इस शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इस ट्वीट का साफ तौर पर यही मतलब है, इस चीज को आप समझ जाइए, ठीक है। और आप, उम्मीद है आप अच्छे से आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी नोटिस आने वाली है जिनकी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए और वो हम पहुंचाएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।